अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए थे हसनैन के बर्थडे के लिए केक लेने। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हसनैन ना आज बोल रहा था जमील को आज मेरा बर्थडे है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला कि केक वगैरह काटो। मैंने कहा बच्चा है छोटा सा, इस तरह की चीज़ें हम कभी कभी मैं सोचती हूँ यार कौन करे। मैंने कहा चलो केक ले आते हैं बेकरी से और जो है ना हसनैन को खुश कर देते हैं। तो ये हमने हसनैन के लिए केक लिया है और जो है हसनैन को नहीं बताया। दो तीन गुब्बारे उब्बारे लेंगे और जो है ना थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जो है ना मेरे हस्बैंड को उस तरह की चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं पसंद, तो वो जो है ना इतना नहीं करने देते। कभी कभी जो है हम कर लेते हैं, लेकिन बार बार फिर। तो ये राय गुब्बारे लेकर आई थी मैं, तो ऐसे ही मैंने ले लिए, अच्छे लग रहे थे। तो दो तीन पैकेट राय लाने जो है ना जिस तरह जो है ना स्टेज बना के पता नहीं कैसे लगा रही है, लेकिन जो है ना बहुत ही अच्छा कर देती है रायला, थोड़ी सी चीज़ों से भी ना अच्छा कर देती है। तो अभी ये लोग इस तरह जो है ना बना रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा करते हैं ये लोग। तो मैं बना रही हूँ अभी हस्बैंड के लिए खाना। हमने जो सोचा था वो ना हुआ, क्योंकि फिश फ्रीज की फिश मेरी तकरीबन बस यहाँ से मैंने रखी थी, कितनी मजेदार फ्राई हुई है। नमक कम पहले देते हैं और चाय भी मेरी बन रही है, साथ में कबाब की टिक्की भी निकाल दी है। चाय मेरी सबसे अच्छे हाँ फूल जाती है वही तो। मुझे आइडिया नहीं था कि रायला ऐसे लगाएगी, तो दो तीन पैकेट और ले लेती तो और अच्छा हो जाता। हमने तो ऐसे ले लिए, मैंने कहा थोड़ा सा बना लेंगे रायला का और होते तो ज़्यादा अच्छा होता। फिश भी बन रही है, साथ में मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये भी रायला ने बहुत मेहनत की। तो हसनैन को मैंने बोला आपके बाबा बोल रहे हैं आएँ, तो फिर जो है ना तैयार होके बाहर चलें। तो वो तैयार हो रहा है और अपने बाबा को ऊपर लेने आ रहा है कि आओ बाहर चले। उसको कुछ नहीं पता कि मेरा केक वेक कट हो रहा है क्या है, कुछ नहीं पता उसको। और वो इससे भी खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। अल्लाह का शुक्र है मेरा जो हसनैन है ना, वैसे हर चीज़ में राज़ी हो जाता है, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। मतलब जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने इसको बोला हसनैन आपने गिफ्ट तो लिया नहीं, कहता ये इतना बड़ा गिफ्ट तो है, मतलब ये अगर कोई बड़ा हो तो बोले, अगर छोटा होता तो कहता नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए, इतना अच्छे हैं माशाल्लाह से मेरे बच्चे। तो केक कट करने के बाद जो है ना हसनैन के बाबा सब मेरे घर वाले जैसे मेरे बहन भाई सईद रायला वगैरह सब ने जो है ना केक मिल के कट किया। और उसके बाद हसनैन को ले गया था सईद घुमाने, कहता चलो मैं आपको ट्रीट देता हूँ आज घूमते हैं। तो वो दोनों गए, फिर शज्जी भी उनके साथ गया, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के उन लोगों ने अपनी मोबाइल पे बनाया है। तो जो है ना अगर मुझे उन लोगों ने कुछ क्लिप दिए तो ज़रूर शेयर करूँगी। उन लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया, बाहर देर तक घूमे थे और बहुत ही मज़ा आया। सब जो है ना घर वाले साथ मिल के इस तरह की चीज़ करें तो बहुत खुशी होती है। तो अभी हसनैन सबको केक खिला रहा है, बस ये फ़ौरन ही हमने ख़त्म किया, एक घंटे में किया और आधे घंटे में ख़त्म किया और फ़ौरन ही अपने काम को लग गए। कैसा फील हो रहा है भाई बताओ मुझे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मजा ही आ गया। आपने क्या सोचा था आप कहाँ जा रहे हैं? अब सजी का बर्थडे कब आ रहा है? सजी बहुत परेशान हो रहा है, मेरा बर्थडे नहीं आ रहा, काफी बाहर जा रहे हैं। कब आएगा बर्थडे? अच्छा लगा, धमाका अच्छा लगा, हाय मजा ही आ गया। हाँ ना सची का भी तो हुआ था, हुआ था धमाके हुए थे, बम पड़े थे, सची याद है? सची सची क्या हुआ था? बम पड़े मेमोरी। टू वन पिज़्ज़ा हो गया। तो बस फिर ये आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।